द मोर करियर ऑप्शन दैट आर यूनिक, ये वाली वीडियो में डिस्कस करने वाले। लास्ट वीडियो में हमने टॉप 20 को कवर करने की कोशिश की थी, जो कि 2 साल पुराना वीडियो था या 1 साल पुराना वीडियो था। उसके बाद सेकंड पार्ट ही नहीं लाया यार, बट सेकंड पार्ट आ चुका है काफ़ी मशक्कत के बाद। एंड दिस इज़ द टॉप 20 यूनिक करियर ऑप्शन। टॉक्ड अबाउट इंजीनियरिंग, BA, BSc कर लो, बी फार्मा कर लो या एक्सेट्रा, MBBS कर लो, दिस आर द ट्रेडिशनल वन। बट कुछ ऐसे करियर जो कि थोड़े से न्यू है एंड नोबडी नोज अबाउट इट। तो वीडियो पे क्लिक करने से ही आपका एक फ़ायदा हो चुका है कि आपको कुछ एक एडवांटेज मिल जाएगा। इवन माई जॉब इज़ टू जस्ट इन्फॉर्म यू एज अ पर्सन एंड दैट्स माई अवेयरनेस गोल। तो शुरुआत करते हैं अपन टॉप 10 करियर ऑप्शन आफ्टर दैट पार्ट 1। ओके, सो नंबर 1 अपना आता है फाइन आर्ट्स का करियर। ओके, सो फाइन आर्ट्स क्या है? स्टडी ऑफ क्रिएटिव डिसिप्लिन जैसे लाइक पेंटिंग हो गया, ड्राइंग हो गया, स्कल्पचर हो गया, वैरायटी ऑफ मीडियम पेपर मेटल क्ले से बनाने की तरीका, दैट इज आर्ट वर्क को ही हम फाइन आर्ट्स कहते हैं। दैट इज साउंड्स इंटरेस्टिंग, हॉबी जैसे साउंड कर रहा, बट इट इज नॉट जस्ट एन हॉबी, इट कैन बी अ करियर एज वेल। नाउ कोर्सेज कौन कौन से? यू कैन गो फॉर डिप्लोमा, बैचलर्स एंड मास्टर एज वेल, एंड PhD भी होती है फाइन आर्ट्स में। एलिजिबिलिटी सिंपल सी है, 10+2 हो जाओ विथ एनी सब्जेक्ट। यू कैन बी द आर्ट्स ओनर, यू कैन बी द मैथ्स वाला, यू कैन बी द कॉमर्स वाला और फिजिक्स वाला एज वेल। नाउ इंस्टीट्यूट कौन कौन से? दीज आर नॉट द टॉप इंस्टीट्यूट, बट ये वाले इंस्टीट्यूट जाने जाते हैं। कॉलेज ऑफ आर्ट जो कि दिल्ली में, फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट्स सर JJ, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे और इंदिरा गांधी वाला जो कॉलेज है, दैट इज इट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग इज परफॉर्मिंग आर्ट्स। ओके, तो परफॉर्मिंग आर्ट्स क्या होता है? परफॉर्मिंग आर्ट्स इज ऑल्सो एन आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन थ्रू एक्टिंग और म्यूजिक परफॉर्मेंस लाइव फ्रॉम ऑडियंसेस। सम ऑफ इंक्लूड बैलेट, पपेट्री, एनिमे, ये सब चीज़ें। एनिमे की स्पेलिंग गलत है। ओके, मालूम है। साउंड्स लाइक अ फिल्मोग्राफी वाला सीन, यू आर राइट। कोर्सेज कौन कौन से आते हैं? सर्टिफिकेट इन परफॉर्मिंग आर्ट्स, दैट इज सर्टिफिकेट बेस्ड। ओके, BFA होता है, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, ठीक है, और BVA एज वेल एज यार BFA उसमें भी होता है, फाइन आर्ट्स में भी, तो जस्ट देख लेना। BVA होता है, दैट इज विजुअल आर्ट्स में, BCR वे क्रिएटिव आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स PhD तक जा सकते हो। एंड एलिजिबिलिटी क्या करते हो भाई? एलिजिबिलिटी वेरी करती है वेरियस यूनिवर्सिटी पे, क्योंकि कुछ में होते हैं एंट्रेंस एग्जाम, कुछ में होते हैं कि कौन सी वे में लिया जाता है। ठीक है, तो इट्स डिपेंड ऑन द वेरियस यूनिवर्सिटी। कुछ यूनिवर्सिटी हम बता देते हैं, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स जाना जाता है, फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट्स दैट इज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के थ्रू, महाराजा मेरे से नहीं बन रहा, यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ोदरा हो गया, फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स हो गया, जामा मिलिया इस्लामिया, ओके, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ओके, तो परफॉर्मिंग आर्ट्स का भी करियर कैन बी द वन ऑफ द गुड ऑप्शन इफ यू आर हैप्पी है। इंटीरियर डिजाइनिंग, दिस इज द मोस्ट वन, बहुत मजे आते हैं यार, क्योंकि हम जैसे यूट्यूबर्स को इंटीरियर डिजाइनिंग की काफ़ी ज़रूरत है। नेक्स्ट स्लाइड, तो इंटीरियर डिजाइनिंग क्या होती है? इट इज़ नथिंग बट आर्ट ऑफ डिजाइनिंग, आपके जो भी जस्ट लाइक ये भी एक इंटीरियर डिजाइनिंग का है। मैंने सिर्फ पोस्टर चिपका है, ये इंटीरियर डिजाइनिंग नहीं है, बट इट कैन बी द इंटीरियर डिजाइनिंग कि आप बिल्कुल अपने जो भी घर है, घर के फर्नीचर हैं, या फिर डिजाइन करो, रीडिजाइन करो एक अच्छे फर्निश ग्रोथ्स में आने, जस्ट लाइक फॉल्स ही नहीं, इट इज़ द पार्ट ऑफ द इंटीरियर डिजाइनिंग एज वेल। कोर्सेज कौन कौन से? डिप्लोमा कर सकते हो, बैचलर ऑफ डिज़ाइन करते हो, दैट इज़ BDES, इसके बारे में सुना होगा, शायद नहीं सुना होगा, 18 साल के हो क्योंकि आप। बैचलर ऑफ साइंस दैट इज़ ऑन इंटीरियर डिजाइनिंग, BIT कर सकते हो, मास्टर ऑफ साइंस हो गया और कुछ मास्टर्स वाले कोर्सेज। एलिजिबिलिटी सिंपल सी है, 10+2, सम कॉलेज सिलेक्ट बेस्ड ऑन द एप्टीट्यूड एसेक्टर एसेक्टर, 10+2 आपको होना ही पड़ेगा, मैथमेटिक्स आपसे आनी चाहिए और ये थोड़ा सा एलिजिबिलिटी पढ़ सकते हो। नेक्स्ट थिंग, स्कूल ऑफ इंटीरियर डिजाइनिंग है, डिज़ाइन डिसिप्लिन है, दैट इज़ IIIT DM जबलपुर नियर मी, तो यहाँ भी आपको एक मिल जाएगा अच्छे से आपके कोर्सेस। ओके, मैंने शेक कर दिया थोड़ा सा। ओके, उत्कल हो गया या SNDT मीराबाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से आप कर सकते हो, इवन आप कुछ और कॉलेजेस को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। आई नीड द कमेंट सेक्शन फॉर मोर डिटेल वीडियोज़ ऑन इट। ठीक है, जब तक कमेंट्स नहीं आते तब तक हमें पता कैसे चलेगा नीड भी है कि नहीं, फालतू में क्यों वीडियोज़ की बर्डन बनाए आप पे। नेक्स्ट थिंग, स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। ओके, ये टाइप का नया करियर होता है यार ये चीज़। तो स्पोर्ट्स के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताने की ज़रूरत है कि स्पोर्ट्स मैनेजमेंट करना आता है। कोर्सेज कौन कौन से? बहुत सारे कोर्सेज है यार, डिप्लोमा कर सकते हो, कोचिंग कर सकते हो, डिप्लोमा ऑफ स्पोर्ट्स साइंस कर सकते हो, बैचलर ऑफ आर्ट्स इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, BSc, BBA, BA,
ओके, एमएससी वगैरह तक जा सकते हो। एलिजिबिलिटी सिंपल सी है, द पास 10 और 10+2 विथ एनी सब्जेक्ट, डजंट नीड कि आप आर्ट से हो या कोई और जगह से हो। इंस्टीट्यूट है इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी वाला, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला, पटियाला में यार दंगल वाली मूवी का भी एक ट्रेनिंग होती है ना, वहीं से हुई थी क्या ऐसा मेरे को लगता है, ऐसा कुछ नहीं हुआ हुआ, पर पटियाला का नाम दंगल से आप रिलेट कर सकते हो कि वहाँ पर जब गीता फोगाट लोग गए थे अपनी ट्रेनिंग के लिए। लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट और भी कुछ हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी तक कराते हैं ना। ओके, ये थोड़ा सा अलग था। ओके, सो ट्रैवल एंड टूरिज्म, ट्रैवलिंग का शौक है, बहुत अच्छी बात, क्योंकि ट्रैवल का एक बिजनेस ऐसा है जो कि बढ़ने वाला है। और ट्रैवल और टूरिज्म के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बता सकते क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सिंपल चीज़ें, आप इन पे करियर बना सकते हैं एज अ गाइडर, एज अ कुछ भी। और लोग घूमना पसंद करते हैं इन द इंडिया, इन द मनाली, इन द गोवा, इन द केरला, इन द तिरुवनंतपुरम, इन द कल्चरल प्लेसेस एंड होली प्लेसेस एज वेल। तो इस पर भी करियर बना सकते हो। कोर्सेज कुछ है, बेसिक कोर्स कर सकते हो ट्रैवल मैनेजमेंट का 3 से 6 महीने का, एंड डिप्लोमा कर सकते हो, डिप्लोमा इन इंटरनेशनल एयरलाइंस भी कर सकते हैं एज वेल, मास्टर्स कर सकते हो, पीजी भी कर सकते हो डिप्लोमा में। एलिजिबिलिटी क्या, 10+2 होना चाहिए और फ्लुएंसी अगर इंग्लिश में अच्छी है, क्योंकि आपके फॉरेनर्स भी आ रहे हैं तो इस वजह से जॉब्स में काफ़ी बेटर हो जाओगे कि अगर इंग्लिश आती है तो। बट डजंट मैटर कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, आप सीख सकते हो आसानी से, ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। इंस्टीट्यूट क्या है, आई आई ऑफ ट्रैवल टूरिज्म एंड मैनेजमेंट, इंडियन ग्वालियर में है एक और मैनेजमेंट एंड टूरिज्म के लिए, और भी कोटा ओपन यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, पॉन्डीचेरी यूनिवर्सिटी वगैरह, आपको कोर्सेज करा सकते हैं। नाउ न्यूट्रिशन डाइटिशियन, ठीक है, एज पर मी एंड मोस्ट ऑफ अस, अपना जो भी न्यूट्रिशन डाइटिक्स है, डाइट है, बहुत ही ज़्यादा हॉरेबल है। वी जस्ट कुछ खाने का मन हुआ तो वी जस्ट पुट द चाट समोसा पिज्ज़ा बर्गर, तो अपन स्ट्रीट फूड की तरफ बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हो, और अपनी जो भी लाइफ साइकिल या फिर अपनी फूड साइकिल वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। तो इस जॉब की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत, नीश टाइप की एक जॉब है बट इट इज़ काफ़ी तगड़ी। तो क्लीन हैबिट्स करो, है ना, हेल्थ वगैरह की काउंसलिंग वगैरह के लिए होता है। कोर्सेज बता देता हूँ सीधा, डिप्लोमा इन डायटेक्स कर सकते हो, बीएससी, एमएससी, एमएससी फूड एंड फेगमेंटेशन टेक्नोलॉजी, एमएससी पीजी, डिप्लोमा इन फूड न्यूट्रिशन एज वेल। एलिजिबिलिटी सिंपल सी है, 10+2 जो एग्जामिनेशन इन एनी रेलिवेंट स्ट्रीम, ठीक है, जो रेलिवेंट हो सकता है कुछ इंस्टीट्यूट में अलग अलग हो, तो डिपेंड्स, इसलिए तो इस सब चीज़ों के बारे में कोई बात नहीं करना पा रहा कि, क्योंकि ये सब चीज़ें एक कन्फ्यूजिंग टाइप में है। अभी तक यार 7 मिनट हो चुके, और अगर आप अच्छे से देख रहे हो यार प्लीज़ सब्सक्राइब एज वेल, क्योंकि आई एज अ पर्सन वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू पीपल एंड क्रिएट एन अवेयरनेस अबाउट दीज कोर्सेज, एंड यू कैन जस्ट सपोर्ट इट बाय सब्सक्राइबिंग। तो बहुत ज़्यादा हो गया, नेक्स्ट इंस्टीट्यूट के बारे में बात कर लेते हैं हम। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद में SNDT वुमेन्स यूनिवर्सिटी है, जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी है, और भी कई हैं, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। इवन और भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, फिजिकल एजुकेशन, स्पेलिंग गलत लिखी है, आई एम सो सॉरी, बट एनीवेज फिजिकल एजुकेशन के बारे में जानते हो, एज अ सब्जेक्ट आपने शायद तक पढ़ा होगा। इंटर डिसिप्लिन जो कि आपको फिजिकल नॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स, फिजिकल एक्टिविटीज़ और ये सब चीज़ें, बट एज अ Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज़ में फिजिकल एजुकेशन को एज अ PTI के तौर पर यूज़ कर लिया जाता है, कि PTI ही ऐसा व्यक्ति है जो फिजिकल एजुकेशन को देखेगा, एंड दैट इज़ टोटली रॉन्ग, एक अलग से फैकल्टी की ज़रूरत है इन चीज़ों में। नाउ कोर्सेज के बारे में बात करते हैं, BSc, BPED, MPED हो गया, PhD हो गया, ये सब चीज़ें कर सकते हो। नेक्स्ट पास 10+2 विथ एनी सब्जेक्ट, दैट्स इट। इंस्टीट्यूट अलाहाबाद यूनिवर्सिटी, आंध्रा यूनिवर्सिटी, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी, चेन्नई, और BHU भी करा लेता है, और कुछ 15 यूनिवर्सिटी के नाम दे दिया हूँ मैंने। नाउ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, अगर यार कॉलेज वाले देख रहे हो, यू नो व्हाट डज इट मीन, ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, अब हर जगह जॉब पाने से अच्छा है मैं बोलूँ कि आप एक जॉब ही को जॉब देने वाले बन जाओ तो कैसा रहेगा, मतलब आप सिलेक्ट करो कितना अच्छा होगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बिजनेस, यू कैन स्टिल वर्क एज अ जॉब जहाँ पर आप सिलेक्ट कर रहे हो, और जो सिलेक्ट करता उसी को बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स वाला, दैट इज शॉर्ट फॉर्म में HR सुना होगा। तो यही आपके सिलेक्शन प्रोसेस, ट्रेनिंग, असेसमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ को एग्जीक्यूट करते हैं, इनके लिए भी एक अलग से डिग्री कराई जाती है, दैट इज सर्टिफिकेशन कोर्स इन HR। हो गया बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, थोड़ा सा BBA साइड और MBA साइड जाते हैं तो ये वाली फील्ड को एक्सप्लोर कर सकते हो।
एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन 10+2 हो जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। और पीजी के लिए यार थोड़ा सा बीए और बीबीए की डिग्री लगेगी, इवन एमबीए वगैरह भी कर सकते हो तो काफ़ी बेटर है। इंस्टीट्यूट क्या है, आईआईएम्स कराते, दैट इज़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, काफ़ी लोग जानते होंगे, काफ़ी लोग नहीं जानते होंगे, कॉमर्स वाले जानते हैं। एमबीए कराते वन ऑफ द प्रीमियर, जस्ट लाइक आईआईटी, ये भी बहुत ज़्यादा प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स होते हैं। आंध्र यूनिवर्सिटी, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर सोशल वेलफेयर, काफ़ी बड़े बड़े अन्नामलाई यूनिवर्सिटी वगैरह करा देते हैं। नाउ होटल मैनेजमेंट, ठीक है, तो होटल मैनेजमेंट आई थिंक इज़ ग्रेट कोर्स एज वेल, क्योंकि जब आप ट्रैवल एंड टूरिज्म पे जाते हैं तो आपको स्टे में, स्टे के लिए भी एक जगह चाहिए, दैट कैन बी द होटल। तो होटल इंडस्ट्री का भी डिमांड है आई गेस। एंड इसके मतलब क्या होता है यार, मैनेजमेंट करो, हाउसकीपिंग, फूड बीवरेज, और मैनेजर की तरह यूज़ कर सकते हो, इवन आप खुद का होटल भी खोल सकते हो, बट होटल इज सम सॉर्ट ऑफ अ रियली इन्वेस्टमेंट बिजनेस, और ये सब चीज़ें आप कर सकते हो, बार टेंडिंग वगैरह भी, मैंने कुछ नहीं बोला। ओके, कोर्सेज के बारे में बात करें तो डिप्लोमा कर सकते हो डिफरेंट फील्ड्स में, एंड बीएससी बैचलर्स डिग्रीज भी आप कर सकते हो। नाउ एलिजिबिलिटी क्या है, 10+2 कर लो, इक्विवेलेंट एग्ज़ाम, एक एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेसिस पे आपको जाना पड़ेगा भाई साहब। इंस्टीट्यूट कौन कौन से, नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, न्यू दिल्ली, और दिल्ली में ही ज़्यादातर ट्रेंड है, ठीक है, गोवा, भोपाल वगैरह, भोपाल में इतना ज़्यादा नहीं बोलूँगा, भले मैंने लेके रखा है, जस्ट लाइक टीयर वन सिटीज़ में इस चीज़ का क्रेज़ है, टीयर टू में, टीयर थ्री में इतना ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं हुआ इन चीज़ों का, सो दैट्स इट। नाउ हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ओके, अब बोलोगे होटल मैनेजमेंट, देखिए यू जस्ट, एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, मैंने जितने भी कोर्सेज ज़्यादा कुछ कुछ मैनेजमेंट पर ज़्यादा रखी, क्योंकि मैनेजिंग इज़ सम सॉर्ट ऑफ ज़्यादा दिक्कतें वाला कोर्सेज, ठीक है, ज़्यादा दिक्कतें मतलब ज़्यादा एक्सप्लोरेशन वाला कोर्सेज, क्योंकि मैनेजमेंट करना ही बहुत मुश्किल काम होता है। तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट क्या है, आपके इक्विपमेंट्स हो गए, आपके ह्यूमन रिसोर्स हो गए, या फिर हेल्थ सर्विसेज हो गए, दवाइयाँ, इक्विपमेंट्स, ये सब चीज़ों का मैनेजमेंट वाले को ही हॉस्पिटल मैनेजमेंट के थ्रू देखा जाता है। कोर्सेज कौन कौन से होते हैं, BHA कर सकते हो, MHA कर सकते हो, MPhil एंड PhD प्रोग्राम इन रिस्पेक्टिव फील्ड्स। एलिजिबिलिटी क्या, 12th पास हो जाओ विद बायोलॉजी, क्योंकि आप एक हॉस्पिटल में काम करने वाले, बायोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो पता चले इंजीनियर की अगर बात करें तो कुछ लेके पहुंच गए, ठीक है, कुछ मतलब यहाँ पर हथौड़ा है कि भाई मैं सही करूँगा। ओके, सो दैट्स इट। इंस्टीट्यूट कौन कौन से, टाटा इंस्टीट्यूट सोशल साइंस, तो टाटा भाई लोगों ने इधर पर भी बनाया, टाटा जी ने बेड्स भी कराते हैं पिलानी के, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, आई गेस इसको एम्स बोलते हैं, और पंजाब यूनिवर्सिटी एज वेल। दीज आर द 10 टॉप यूनिक करियर ऑप्शन, और हमने अब फिर से बोला यार, अगर आपने अभी तक वाला वीडियो नहीं देखा जो लास्ट वाला था, देन यू शुड चेक इट आउट, क्योंकि और भी ऑसम कोर्सेज थे इसके बाद, तो इन दोनों चीज़ों को मिला के हो गए पूरे 20 कोर्सेज, एंड जस्ट इट वॉज नॉट अ ट्रेडिशनल, कोई BSc नहीं, कोई कुछ नहीं, जस्ट ऑसम कोर्सेज एज वेल, एंड ऑसम करियर फील्ड, सॉरी कोर्सेज नहीं बोलना चाहिए, करियर फील्ड, एंड यू कैन जस्ट सब्सक्राइब एज वेल फॉर मोर वीडियोज, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से मेरे को पता चलेगा यार इंटरेस्ट आ रहा है कंटेंट में, एंड दैट्स ऑल वी कैन डू। एंड बाकी की चीज़ें कर सकते हो लाइक वगैरह, अगर कमेंट में बता सकते हो किस पर डिटेल में चाहिए, इवन आप कोई और सी चीज़ भी बताना चाहो बता सकते हो, इट वुड बी ग्रेट इफ़ यू कैन शेयर द वीडियो, क्योंकि दूसरों को बताओ यार कि इतनी चीज़ें हैं, कोई बेवकूफ़ इंसान पहुँच जाए इंजीनियरिंग करने, अपनी 4 साल की इंजीनियरिंग खराब कर ले, फिर उसे पता चलेगा मेरा पैशन अलग था, दैट वुड बी द वर्स्ट पार्ट, जस्ट लाइक मी। So I'll see you in the next video. Till then, please see you. Have a good day. Sayonara and hats off.